खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में चल रही बाबू श्रीश चंद अग्रवाल राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुरादाबाद और बरेली के बीच हुआ। मैच का शुभारंभ सदर सांसद जय प्रकाश, सदर विधायक नितिन अग्रवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, टूर्नामेंट आयोजक राकेश अग्रवाल, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, ठाकुर शिषपाल सिंह, अमित वाजपेयी, हबीब लिट्टे, राम प्रकाश शुक्ला, प्रियम मिश्र आदि की मौजूदगी में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। बरेली और मुरादाबाद के बीच हुए मैच के कड़े मुकाबले में मुरादाबाद टीम ने जीत दर्ज कराई। विजेता टीम को जिलाधिकारी पुलकित खरे सहित सभी अतिथियों ने शील्ड देकर सम्मानित किया। देखिए, ये हॉकी टूर्नामेंट हमारे बाबा श्रीश चंद अग्रवाल जी के मेमोरी में इसकी शुरुआत हम लोगों ने 1 तारीख को हमारे पिता पूर्व सांसद श्री नरेश अग्रवाल जी ने करी, और हमारी शुरू से ये इच्छा है कि हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, जो विलुप्त होता जा रहा है, जो इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म होता जा रहा है, उसको फिर से उसको लोगों में जागरूकता आए और लोग हॉकी खेलें। मकसद यही था कि इस टूर्नामेंट से प्रदेश की और टीमों को, प्रदेश के हमारे और डिस्ट्रिक्ट की टीमें यहाँ पे आए, इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग लें। तो मुझे खुशी है कि इस टूर्नामेंट में 14 डिस्ट्रिक्ट की टीमें खेलने आई, 2 टीमें हरदोई की थी। 5 दिन ये टूर्नामेंट चला और बहुत ही रोमांचक टूर्नामेंट हो रहा। आज फाइनल हुआ और फाइनल आपने भी देखा किस तरीके से उत्साह लोगों में था, और इस उत्साह को देखते हुए एक उम्मीद जगी कि जो प्रेम और जो उत्साह क्रिकेट के खेल के प्रति लोगों का है, वही उत्साह अब हॉकी के खिलाड़ियों के लिए और हॉकी के लिए भी लोगों का होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि इन हॉकी खिलाड़ियों के लिए, खासतौर से हरदोई की टीम, क्योंकि यहाँ पे हमारी हरदोई की भी टीम बात उसने बहुत अच्छा खेला, सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं, उनके लिए एक खेल के मैदान की व्यवस्था हो जाए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैंने आज DM से भी कहा है, मैंने SDM से भी कहा कि एक परमानेंट मैदान अगर उनको मिल जाए तो साल भर उनकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि साल भर अगले साल जब इस टूर्नामेंट को करेंगे तो और भी बड़े पैमाने पे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरे प्रदेश की करीब 35 से 40 टीमें अगली बार टूर्नामेंट खेलने आएँ यहाँ पे, बड़ा आयोजन हो। प्रदेश के और देश के बड़े खिलाड़ियों को भी मैं आमंत्रित करूंगा अगले साल कि वो आएँ और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। और मैं आपके माध्यम से हरदोई के लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले साल जब हमें टूर्नामेंट करें तो अगर हमें उनका भी सहयोग इस टूर्नामेंट में मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये टूर्नामेंट प्रदेश और देश में अपनी छाप छोड़ेगा। एक खास बात और रही कि एक लंबे अरसे के बाद जो है इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई, कैसे देखते हैं और कब ये गेम हुआ था इससे पहले यहाँ पे? देखिए, पहली बार हो कि लड़का हमारा तेगू है, जो मैनेजर भी इंडियन टीम का है, वो काफ़ी उसने भी इंटरेस्ट दिखाया और वो भी काफ़ी मेहनत करता है हॉकी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने में। मुझे जानकारी हुई कि करीब 30 साल बाद हरदोई में हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ हरदोई की जनता को, खेल प्रेमियों को, हॉकी और खिलाड़ियों को कि शुरुआत हुई है। अब ये लगातार हर साल टूर्नामेंट हम कराएंगे, अभी तो प्रादेशिक करा रहे हैं, आगे जाके कोशिश रहेगी कि और प्रदेशों से भी टीमें यहाँ पे खेलने आए और एक राष्ट्रीय स्तर पर ये हॉकी टूर्नामेंट आयोजित हो। माननीय सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी, माननीय सदर विधायक श्री नितिन अग्रवाल जी, समस्त अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद यहाँ पे, हरदोई के संभ्रांत सभी व्यक्तिगण, 14 अन्य जनपदों से आई हुई टीमें, उनके कोच, उनके खिलाड़ी, हमारे जनपद हरदोई की जिन टीमों ने प्रतिभाग करा, उनके खिलाड़ी, कोच, आयोजन समिति के अध्यक्षगण और तमाम सदस्यगण, तमाम खेल प्रेमी जो आज यहाँ इस फाइनल को देखने आए हैं, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, सर्वप्रथम सभी को साधुवाद और नमस्कार। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत इस टूर्नामेंट के जरिए खेल को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ सालों में हुई है, और सदर विधायक जी से मेरी चर्चा हो रही थी कि किस तरह से इस टूर्नामेंट को आगे आने वाले वर्षों में एक इतने बड़े मुकाम पे ले जाना चाहिए कि जहां पे टूर्नामेंट अपनी स्वयं की जगह न केवल प्रदेश स्तर पे बल्कि देश के स्तर पे भी कायम कर सके।
इस बार यहाँ पे 14 टीमें अन्य जनपदों से आई हैं। हम लोग उम्मीद भी करते हैं और प्रयास भी करेंगे अगले बार कि अगले बार इस टीमों की संख्या को लगभग दुगना करा जाए, अधिक से अधिक जनपदों से, मंडलों से जो खेल प्रेमी हैं, हॉकी प्रेमी हैं, न केवल टीमें यहाँ पे आएँ बल्कि हॉकी प्रेमी भी यहाँ पर आएँ, उनके रुकने की कुछ व्यवस्था करी जाए और इस तरह का प्रयास करा जाए कि एक बार फिर से जो भीड़ हम आजकल क्रिकेट के लिए देखते हैं उसको हम वापस हॉकी से जोड़ पाएँ। हॉकी को इस तरह से पॉपुलर करने के लिए और ज़्यादा प्रयास इस टूर्नामेंट के माध्यम से करे जाए। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से और बहुत ही उम्दा दर्जे की हॉकी आज हमने फाइनल्स में भी देखी और पिछले कुछ दिनों में भी हमने हॉकी का एक उच्च स्तर यहाँ पे हमें सबको देखने को मिला। मैं उसके लिए सभी कोचेस का, सभी सपोर्ट स्टाफ का और ख़ासकर खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने अपनी प्रतिभा यहाँ दिखाई। इस तरह के टूर्नामेंट मौका देते हैं कि हमारे अन्य खिलाड़ी, हमारे अन्य छात्र छात्राएं जो इस तरह के टूर्नामेंट देख रहे हैं और आगे किसी भी खेल में आना चाहते हैं उनको भी इस तरह के खेल खेलने का मौका मिले, वो लोग इस स्पोर्ट्स से जुड़ें, इसकी बारीकियां समझें। जब आप कोई अच्छा खेल देखते हैं तो आपका सिर्फ न केवल मनोरंजन होता है बल्कि आप उसको सीखते भी हैं। ज़रूरी है कि हमारे आने वाले युवा पीढ़ी भी इस खेल को देखे, सीखे और इससे जुड़े। मैं विधायक जी को ये भी आश्वासन देता हूँ कि हम लोग अगले कुछ महीनों में प्रयास करके शहर के आसपास ही एक ऐसी ज़मीन का प्रबंध करेंगे जहाँ पे एक परमानेंट टर्फ के रूप में हम लोग एक हॉकी पिच स्टैब्लिश कर सकें, क्योंकि आजकल जो हम राष्ट्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल हॉकी देखते हैं तो टर्फ पे ही गेम चल रहा होता है। तो ज़रूरत है कि हम शुरू से ही बच्चों को टर्फ पे खिलाएं और टर्फ पे खेलने की बच्चों को आदत हो, तो हम लोगों का प्रयास यही रहेगा। माननीय विधायक जी का हमेशा इसमें साथ रहता है, न केवल हॉकी बल्कि खेल से जुड़ी हुई, खिलाड़ियों से जुड़ी हुई कोई भी बात हो। कुछ दिनों पहले ही वेटलिफ्टिंग की टूर्नामेंट हुई, वेटलिफ्टिंग के जितने भी संसाधन हैं हमारे हॉकी स्टेडियम में वो भी माननीय पूर्व सांसद जी द्वारा और विधायक जी द्वारा उपलब्ध कराए गए। और वैसे भी मेरी जब चर्चा होती है तो खेल को लेकर कोई भी आयोजन हो तो हमेशा हमें अपने जनप्रतिनिधियों का पूरा सपोर्ट, पूरा सहारा मिलता है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से आगे आने वाले सालों में हॉकी एक और ऊंचे स्तर पर जाए और हरदोई की टीम का भी और हरदोई जनपद का भी नाम ऊपर हो। एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।